ये देश है अलबेगो का, मतवाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो, वो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। अगर दुनिया में कोई यह कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो भारत का सिपाही है। मैं जानती हूँ इस अमर जवान के अमरत्व को आपके समक्ष रख पाना, शब्दों से, वक्तव्यों से, उसी प्रेम को, उसी बलिदान को कह पाना, उस अदम्य साहस को जीवित कर पाना मेरे लिए सरल नहीं होने वाला है। न जाने कितनी बार भावुकता में मेरे हाथ से कलम छूट गई, कितनी ही बार मेरे शब्दकोश खाली हो गए और दिमाग शून्य हो गया। सजल नेत्र और भारी मन से मैं इतना साहस नहीं जुटा पा रही कि इस दिव्य कथानक को आपके सामने रख पाऊं। आज की ये गाथा है विजयंत और कैप्टन विजयंत थापर की। शहादत आसान नहीं होती, कमियां कभी भरती नहीं है, वजूद नहीं मिटा करते, हस्तियां रोज जन्म नहीं लेती। न इनको पढ़ना आसान है न कह पाना, वैसे तो शब्दकोश में क्या नहीं, पर कभी कभी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ये कम पड़ जाते हैं। हजारों रास्ते उम्र के साथ गुजरते हैं, कुछ रास्तों से हम गुजरते हैं, आप गुजरते हैं, अक्सर कुछ नाम रास्तों की पहचान बन जाते हैं। ऐसा ही है कैप्टन विजयंत थापर का नाम। इन रस्तों का जुबान पर आ जाना, नाम का आम हो जाना जितना आम है, उतना ही मुश्किल है इस नाम के रास्तों की पहचान बनाया जाना और इस नाम की कहानी। मां भारती के भाल को चमकता रखने के लिए, भारत के गौरव तिरंगे को लहराता रखने के लिए, न जाने कितने शहीद लाल मां के आंचल में सो गए। काश काश जितनी खुशी विजय हमें देती है, विजय प्रक्रिया भी दे पाती। शहादत, वीरता, पराक्रम, बहादुरी हम सुनते हैं, महसूस करते हैं। एक बार इन शब्दों के पीछे जो रिक्तता रह जाती है, जो खालीपन रह जाता है, उसे महसूस करके देखिएगा। आज ये शौर्य गाथा पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही हूं, जो कि है रिस्पेक्टेड कैप्टन विजयंत थापर की। 26 दिसंबर 1976 को जन्मे विजयंत थापर पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय सेना में रहे। पिता फादर कर्नल वी एन थापर, दादा जे एस थापर, परदादा डॉक्टर कैप्टन राम थापर। भारत की विजय के बारे में बात करना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैं जंग के मैदान में इस विजय की बात करूं तो ये विजय बहुत कुछ ले जाते हैं, जिसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मना भाव के साथ साथ इमोशंस जागृत हो जाना बहुत आम सी बात है। हम सब भारतवासी हैं और एक एक सैनिक जब शहीद होता है तो कहते हैं ना कि किसी के परिवार से कुछ बहुत बड़ा चीज चली जाती है। मैं बहुत कंट्रोल करके खुद को बात कर रही हूँ, मैंने सोचा था कि मैं वॉइस ओवर करके ही थोड़ा संयत करते करते खुद को इस बारे में बात करूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। इमोशंस अपनी जगह है, लेकिन कहते हैं कि वो डिवोशन, वो प्रेम जो मुझे दिखाना था, वो सम्मान जो मुझे दिखाना था, उसके लिए मुझे कैमरे के सदृश आना ही पड़ा। आज मैं कैप्टन विजयंत थापर की बात कर रही हूँ, एक 22 साल का लड़का जिसने भारत की विजय के लिए भारत माता के चरणों में खुद की बलि दी। हम माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उन्हें जन्म देते हैं, उन्हें पालते हैं और ऐसी प्रभु से कामना करते हैं कि वो उन्हें दीर्घायु करे। मैं बहुत सारी चीजों में मिक्स हो गई हूं, मैं बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं और सच बताऊं कि मैं ये कंटेंट बहुत पहले लाना चाहती थी। मैं इस कंटेंट की शूटिंग और इसके बारे में खोज, जांच, पड़ताल बहुत पहले से कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना वो हिम्मत जुटाना, वो दिल को उतना मजबूत कर पाना, शायद मैं वो नहीं कर पा रही थी। विजयंत थापर, कैप्टन विजयंत थापर, रिस्पेक्टेड विजयंत थापर, एक 22 साल का नौजवान, एक 22 साल का सैनिक जिसने पाकिस्तान की दांत खट्टे कर दिए। हम विजयी हुए, भारत विजेता कहलाया, कारगिल की चोटी पे वो झंडा लहराया, वो थ्री पिंपल्स की लड़ाई जीत गई और हमने अपना एक योद्धा खो दिया। विजयंत थापर एक ऐसा नाम जिसे प्यार से रॉबिन भी बुलाते थे और उन्हें द बॉर्न सोल्जर कहा जाता था।
नियति की विडंबना कभी कभी बहुत कठिन है। प्रभु के जो फैसले होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, उनपे सवाल नहीं बनता, लेकिन बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में जागती हैं और बह जाती हैं। जान देने के लिए बहुत समर्पण की आवश्यकता होती है, क्योंकि देश के लिए जान देने की मैं बात कर रही हूँ। मेरे शब्दों को अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन बहुत 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 साहस की बात है। उस शौर्य से भरे हुए ही कैप्टन विजन थापर के पेरेंट्स, एक पिता जिसने बेटे की शहादत देखी, एक पिता जिसने वो गौरव महसूस किया, साथ ही अपने बेटे की अर्थी को कंधा भी दिया। वो आखिरी पत्र जो उन्होंने अपने माता पिता के नाम पे लिखा था, 22 साल की छोटी उम्र, और उस उम्र में वो जज्बा, वो जिम्मेदारी निभा के चला गया, जो आज 30, 35, 40, 50 की उम्र में भी हम लोगों में देखने को नहीं मिलता। अपनी पोस्टिंग के 6 महीने के बाद ही कैप्टन विजन थापर को देश के लिए सर्व करने का मौका मिला, जो थी कारगिल की लड़ाई। इससे पहले वो कश्मीर में तैनात थे। वहां एक किस्सा और एक वाक्य बताया जाता है। एक छोटी सी बच्ची थी, 3 साल की एक छोटी सी बच्ची, रुखसाना। वो बच्ची बहुत खामोश रहती थी, अक्सर स्कूल से आते जाते उसको कैप्टन विजन थापर देखते थे। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि बच्चे तो बहुत खुश दिल होते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, क्यों इतनी खामोश है ये बच्ची। उन्होंने उसके बारे में उसके स्कूल में जाकर के पता किया, तो वहां उन्हें पता चला कि वो एक बहुत गरीब घर से संबंध रखती है, और उसकी आंखों के सामने आतंकवादियों के द्वारा उसके पिता को मार दिया। कुछ ऐसा गहरा सदमा लगा कि वो बच्ची बोलना ही भूल गई, उसकी आवाज चली गई, वो कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप आती थी जाती थी। एक अलग सा लगाव रख लिया उन्होंने उस बच्ची के प्रति, उसके लिए खिलौने लेके जाते थे, उसके लिए उसकी जरूरत का सामान लेकर के जाते थे, और उन्होंने तय किया कि वो उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। जिस समय उसके ही 1 साल के बाद उन्हें कारगिल के लिए सर्व करने का मौका मिला, और बहुत बहादुरी से नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते हुए जब उन्होंने मोर्चा संभाला, तो अपने फ्रेंड को, अपने एक दोस्त को एक पत्र दिया और कहा, आदेश दिया गया कि अगर मैं वापस आ जाता हूं तो ये पत्र फाड़ देगा, और अगर मैं वापस नहीं आता हूं तो ये जो चिट्ठी है वो मेरे मम्मी पापा तक पहुंचा देना। वो पत्र इतना द्रवित करने वाला था कि उस पत्र में लिखा एक एक शब्द दिल को इतना कचोटता है, दिल के भीतर तक गड़ जाता है। वो माँ बाप जब इंटरव्यू पे आते हैं, वो गौरव तो महसूस करते हैं, सम्मान तो महसूस करते हैं, और साथ में शेयर करते हैं कि हमने रॉबिन का वो पत्र आज भी संभाल के रखा है। क्यों नहीं रखेंगे, माँ बाप है, आखिरी निशानी है। उस जगह पे बैठ करके बच्चे ने माँ बाप को याद किया है, और अपनी शहादत पे खुद ये शब्द लिखा है कि मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटूंगा, और अगर मैंने फिर जन्म लिया तो मैं एक सिपाही के रूप में ही जन्म लेना चाहूंगा। माँ बताती है बचपन का एक किस्सा कि रॉबिन अपने छोटे भाई को लेकर के अक्सर परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के घर के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। तो छोटे भाई ने एक दिन शिकायत करी कि माँ, रॉबिन मुझे वहां लेकर गए थे अरुण खेत्रपाल जी के घर पे, और हम अंदर नहीं गए, हम केवल दीवार को देख करके बाहर आ गए। तो माँ कहती है कि उसकी वो शब्द जो उसने इतने बचपन में बोले थे कि भाई एक दिन देखना कि लोग हमारा घर भी देखने आएंगे। मैं बता रही हूं, मैं इतना ज्यादा भावुक हूं इस पे कि जज्बा उनके दिल में, कहते हैं ना वो एक बॉर्न सोल्जर थे, अगर ऐसा बोला जाएगा तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो अंतिम पत्र जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा, उसके शब्द कुछ ऐसे थे कि डियर माँ पापा और बर्डी, यानी उनके भाई, और अपनी ग्रैनी, अपनी नानी को याद करते हुए, दादी माँ को, सॉरी नानी नहीं, दादी माँ को याद करते हुए कि जब तक आपको ये पत्र मिलेगा शायद मैं आपके बीच नहीं होऊंगा, और मैं आपको ऊपर से स्वर्ग से देख रहा हूँगा, और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैंने देश के लिए अपना जो जीवन बलिदान किया है, मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मैं देश के काम आऊंगा।
अगर आपको कभी मौका मिला तो आप इस जगह आकर के जरूर देखिएगा कि कैसे भारत की सेना सैनिकों ने, कैसे भारत की सेना ने किस तरीके से हमने विजय पाई है और अपने प्राण यहाँ पर दिए, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं। इसके साथ ही कुछ एक हिस्सा अनाथालय में जरूर दान कर दीजिएगा, और मेरे जो भी मेरे को राशि आती है या जो भी आप मदद कर सकते हैं, उस बच्ची रुखसाना के लिए वो मदद तब तक पहुंचाइएगा जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती। आज भी वीरथापर यानी हमारे विजयन के फादर वो राशि उस बच्ची तक पहुंचाते हैं और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाते हैं। आज वो बच्ची बड़ी हो गई है और आज भी अपने पिता के नाम की जगह वो विजयन थापर का नाम लिखती है। आप समझ सकते हैं कि एक 22 साल का लड़का, जब हम 22 साल के थे शायद हम खुद से ही नहीं उबर पाते थे कि लाइफ के लिए हम सीरियस ही नहीं थे, हमें कंफ्यूजन थे, हमारे अपने ही टैंटम्स थे, और वो बच्चा उस उम्र में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा के चला गया। ये है कैप्टन विजयन थापर की कहानी। कहते हैं ना कि जो ये हस्तियां होती है ये रोज जन्म नहीं लेती। मुझे नहीं पता था, इस इतनी गहनता मुझे नहीं पता थी। जब मैंने राघव का नाम विजयन सेलेक्ट किया था तो मुझे नहीं पता, बस मैंने कहीं ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ पहले से सोच रखा हो और मैंने वो नाम रख दिया। और मेरा आना नोएडा सिटी में हुआ, वो नोएडा के रहने वाले थे, और जब मुझे इस चीज के बारे में पता लगा, जब उससे एक कहते ना कनेक्शन जुड़ा, तो मेरा दिल तो तार तार हो गया। I'm sorry. मेरा मन हुआ कि मैं उनके पेरेंट्स के सामने जाके खड़े हो जाऊं और मैं वाकई उनके पैर छूं और आशीर्वाद लूं कि इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कहां से आई उनमें। लेकिन मैं सच बोलूं तो मुझे पता है कि सामने से चीजें जैसी भी चलती हैं, लेकिन ये इतना बड़ा घाव है कि किसी भी पेरेंट्स के सामने जाके इसको कुरेदना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाएंगे और कहीं मुझे ये डर है कि मैं उन्हें भी हर्ट ना कर दूं। लेकिन गौरव और शौर्य की गाथा ना गाना आसान है, ना कह पाना आसान है, लेकिन कैप्टन विजयन थापर, और मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया है जहां पर तमाम बुराइयां हैं, ऐसा परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये डिवोशन देखने को मिलता है। मेरा सल्यूट है उन्हें, उनके पेरेंट्स को सल्यूट है और इस मातृभूमि को सल्यूट है जो आज भी यहां पर ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। कभी उस माँ को समझने का प्रयास करती हूँ, कभी उस घर में फैले उस सन्नाटे को समझने का प्रयास करती हूँ, कभी उस पिता के गर्व को, कभी उस पिता के अकेलेपन को। इसीलिए कहती हूँ कि शहादतें आसान नहीं होती, और उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने जीवन के आधार को ही खो दिया हो। मुझे ही नहीं, हम सबको तुम पे गर्व है विजयंत। तुम्हारे नाम की ही तरह तुम्हारी विजय का कोई अंत नहीं। मैं आज और भी गौरव की अनुभूति कर रही हूं कि तुम कहीं नहीं गए, वही शौर्य श्रृंखला अपनी आने वाली पीढ़ी को दे गए हो। तुम्हारा बलिदान हर उस बच्चे के लिए मार्गदर्शन है जिसे देश सेवा सिखलाई नहीं जाती, ये भावना वो लेकर जन्म लेता है। मैं सिंगिनी समान तुम्हारी माता के चरण स्पर्श करके ये कहना चाहूंगी कि उनका बलिदान वंदनीय है। उनकी सार गर्भिता जीवन में हमेशा ये सिखाती रहेगी कि देश से बढ़कर कुछ नहीं, देश से बढ़कर न कोई धर्म है न कोई संबंध। विजयन चाहते थे कि पिता वो स्थान जरूर देखे जहां पे वो शहीद हुए थे, और पिता ने उस उम्र में भी जाकर के बच्चे की ये दिली ख्वाहिश जरूर पूरी करी और वो पहुंचे उस स्थान पे जहां पर विजयंत वीरगति को प्राप्त हुए, एक बड़ा कलेजा रखने वाले सिंह और सिंगनी। हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। नाम के रहस्य बहुत पुराने हैं। शब्द के आधार पर, जन्मांक के आधार पर यानी बर्थ डेट के आधार पर, कभी परंपरागत आधार पर राघव को राघव बुलाने का मेरा कोई प्री प्लान नहीं था, पर आध्यात्मिक संतोष था। राम शब्द की सार गर्भिता का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है।
श्री राम से बड़ा है श्री राम का नाम। हालांकि श्री राम का गौरवशाली इतिहास बहुत महान है। मैं माँ हूँ और दुनिया की हर माँ की तरह अपने बच्चे को सर्वाधिक सफल देखना चाहती हूँ। ये पुकार का नाम बच्चे की बेसिक आइडेंटिटी पर गहरा प्रभाव डालता है। बच्चा जन्म लेता है, वो अबोध है, जीवन ग्रंथ के पन्ने वो धीरे धीरे पलटता है और न जाने कितने ही भावों में हम उसके नाम को पुकारते हैं। कभी प्रेम में, कभी चिंता में, कभी क्रोध में, कभी खुशी में। तो राघव की उपस्थिति मेरे जीवन की पूर्णता है। इस नाम की गहनता का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। समय बीता और बारी आई स्कूल की, जहां एक और नाम की खोज होनी थी। मैंने हमेशा इस नाम को रखने के लिए बहुत होमवर्क किया। सबसे पहला चुनाव आईएनएस विक्रांत के नाम पर रखा गया कि मैं उसका नाम विक्रांत रखूंगी। होमवर्क और अनायास ही अपनी तरफ खींच लेने वाला फाइनल रिजल्ट हुआ विजयंत। मुझे नहीं पता था जीवन की राह मुझे ऐसे महानगर ले जाकर खड़ा कर देगी, जहां मेरा सामना होगा इस विजय नाम के साक्षात बलपुंज से, जिसका नाम है कैप्टन विजयंत थापर। शहादत के कथानक हमेशा से बहुत ही हृदय विदारक होते हैं। मैं भी अपने बेटे विजयंत के लिए आज एक पत्र लिख के लाई हूँ और उसे यहाँ साझा करना चाहती हूँ, ताकि वो हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाए और जब वो इस कंडीशन में, इस स्टेज पे पहुँचे कि इसे समझ सके, तो जाने कि उसका नाम विजयंत क्यों रखा गया। प्यारे बेटे विजयंत, शायद आज तुम इस पत्र की गंभीरता और भावना को ना समझ पाओ, पर महादेव की कृपा से कुछ सालों के बाद जब तुम दुनिया की समझ रखने लगोगे ना, तो समझ पाओगे। तुम जीवन में अपने लिए कोई भी करियर क्यों ना चुनो, हम यानी तुम्हारे डैडी और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अपने नाम की सारगर्भिता को कभी मत भुलाना बेटा। दुनिया प्रलोभनों का बाजार है, तुम अपनी वास्तविकता पर ही अमल करना। तुम्हारे जीवन का कोई भी फैसला हो, चाहे छोटा या बड़ा, पहले देश हित में होना चाहिए, फिर तुम्हारे परिवार के हित में और अंत में तुम्हारे हित में। जैसे तुम आज हो, निर्भीक और स्पष्ट, किसी भी प्रकार से सांसारिकता से परे, बड़े होना पर अपने भीतर का ये अबोध राघव हमेशा जिंदा रखना। हम दूसरे हर मां बाप की तरह तुम्हारी सफलता के शिखर पर तुम्हें देखना चाहते हैं, पर इस सफलता की कीमत कभी तुम्हारी इंसानियत नहीं होनी चाहिए बेटा। आज भी जब तुम्हारे नन्हे कदम देखती हूं, तो मुझे एक मजबूत वृक्ष नजर आता है, जिसकी मजबूती है उसकी जड़ें, यानी हमारा प्यार और संस्कार। शेष तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। अपने नाम और काम का शौर्य हमेशा बढ़ाते रहो, सदा अपने नाम की तरह अनंत विजय पाते रहो। विजय, तुम्हारी मां प्रतिभा।